वैर भूसावर उपखंड के घाटरी और मनसापुर जोन में क्षेत्र के प्रशासन, खनिज, वन विभाग की अरावली पर्वतमाला के पहाड़ उजड़ रहे हैं। क्षेत्र की हरियाली धीरे धीरे गायब हो रही है। जंगली जानवर और पक्षी भी अन्य जंगलों की ओर पलायन कर गए। वन और खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। बारूद के ब्लास्ट से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। क्षेत्र के लोगों द्वारा अवैध खनन और आबादी क्षेत्र के निकट ब्लास्ट की रोकथाम और मानव, वन जीव, हरियाली और फसल बचाने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से मांग की जा रही है। वर्ष 1990 से अब तक करीब 100 से अधिक लोग खनन कार्य में अपने प्राण गंवा चुके हैं। इस जोन क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक क्रैशर लगे हुए हैं, जिनमें से कई क्रैशर अवैध रूप से संचालित हैं। इस बारे में रेंजर लाखन सिंह ने बताया कि अवैध खनन पर कार्यवाही जारी है। वैर भूसावर उपखंड के घाटरी और मनसापुर जोन में क्षेत्र के प्रशासन, खनिज, वन विभाग की अरावली पर्वतमाला के पहाड़ उजड़ रहे हैं। क्षेत्र की हरियाली धीरे धीरे गायब हो रही है। जंगली जानवर और पक्षी भी अन्य जंगलों की ओर अब पलायन कर गए। वन और खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। बारूद के ब्लास्ट से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। क्षेत्र के लोगों द्वारा अवैध खनन और आबादी क्षेत्र के निकट ब्लास्ट की रोकथाम और मानव, वन जीव, हरियाली और फसल बचाने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से मांग की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया। हरदेव, अवैध खनन के चलते जो प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है, उस पर क्या किसी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई सामने आई है, किसी तरह का रुख सामने आया है? जी सुनीति, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वैर और भुसावर उपखंड क्षेत्र में जो पर्वतमाला है, उनमें रात और दिन अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। और अवैध खनन कार्य में ब्लास्टिंग किया जाता है, विस्फोट सामग्री के द्वारा विस्फोट किया जाता है, जिससे आसपास के जो लोग हैं, वहाँ जो आबादी वाले जो गाँव है, वहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है, मकानों में दरार हो जाती है। इस अवैध खनन को रोकने के लिए यहाँ भुसावर उपखंड अधिकारी के अलावा जिला कलेक्टर को भी कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन आज तक अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण जो वन्य जीव जंतु हैं, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में बना हुआ है, और वहाँ जगह नहीं मिलने के कारण वन्य जीव जंतुओं के लिए तो वो आबादी वाले इलाके में वन्य जीव जंतु आते रहते हैं, जिससे जंगली जानवर भी हैं, तो लोगों को भी काफी खतरा बना हुआ रहता है। इसके अलावा पर्वतमाला में जो हरियाली है वो भी नष्ट हो रही है। जी हरदेव, वन विभाग की जो अरावली पर्वतमाला पहाड़ उजड़ रहे हैं, ये अवैध खनन का कार्रवाई जो जारी है, इसके चलते वर्ष 1990 से अब तक 100 से अधिक लोग खनन कार्य में अपनी प्राण गंवा चुके हैं, वहीं वन्य जीवों को भी इसका असर पड़ रहा है। तो क्या वन विभाग की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई है, कुछ किसी तरह का रुख, और वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जी, घाटरी गांव मनसापरा के जो आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसको जो खनन हो रहा है रोकने के लिए कई बार स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी हैं, एसडीओ है और जिला कलेक्टर है, खनिज विभाग है, उसको भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्ञापन दिए जाने के कई महीने गुजर जाने के बाद भी जिला प्रशासन अभी तक कोई हरकत में नहीं आया है। और लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण वहाँ की पर्वतमालाएं जो है अब टुकड़ों में विभाजित हो गई हैं, और हरियाली भी नहीं है और वीरान की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। रात और दिन अवैध खनन किया जा करके अवैध परवीन भी लगातार किया जा रहा है। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हरदेव।